हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के लॉबी सिस्टम के बारे में और इसके इम्पैक्ट के ऊपर भी आज हम बात करने वाले हैं। विवेक ओबेरॉय ने रिसेंटली अभी एक इंटरव्यू में बताया है कि उनको अपने करियर में काफ़ी स्ट्रगल्स फेस करने पड़े जब उनको काम नहीं मिल रहा था डिस्पाइट हैविंग सक्सेसफुल फिल्म्स एंड परफॉर्मेंसेस। विवेक ओबेरॉय के करियर 2003 में सलमान खान के साथ एक कंट्रोवर्सी के बाद डाउन स्विंग में चला गया था। उन्होंने सलमान खान को धमकी देने का इल्ज़ाम लगाया था जिस वजह से उनके करियर पर काफ़ी असर पड़ता रहा। सलमान खान के साथ ये टेंशन ऐश्वर्या राय के साथ उनकी रिपोर्टेडली कुछ साल की रिलेशनशिप के कारण थी। उनके और सलमान खान के बीच में काफ़ी टेंशन चल रही थी। ऐश्वर्या ने तो बाद में अभिषेक बच्चन के साथ शादी कर ली और विवेक ओबेरॉय भी बाद में प्रियंका अलवा से शादी कर चुके थे। जब विवेक ने सलमान खान के खिलाफ 2003 में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उस समय उनके करियर में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। उन्होंने सलमान खान को पब्लिकली धमकी देने का आरोप लगाया था जिससे उनके करियर पर बहुत बड़ा असर पड़ा था। विवेक ओबेरॉय ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उस समय उनको इंडस्ट्री के कुछ पावरफुल लोगों ने काम नहीं करने दिया और ये उन्हें बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और डिसअपॉइंटमेंट मिली। उनकी माँ ने उनकी सबसे बड़ी हेल्प की जो उनको समझाती रही और उन्हें एनकरेज करती रही कि वो अपने आप को दूसरों के लिए एक हीरो बनाएं। उन्होंने अपने करियर के डाउन फेज को एक अपॉर्चुनिटी में बदलने का फ़ैसला किया और मल्टीपल बिजनेसेस की शुरुआत की जो कि आज काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। बॉलीवुड में लॉबी सिस्टम का जिक्र है हर किसी कॉन्ट्रोवर्सी के बाद होता है। ये सिस्टम उन एक्टर्स और फिल्म मेकर्स पर भी असर डालता है जो इंडस्ट्री के पावरफुल ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट खड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल, कंगना रनौत ने अपनी करियर में स्ट्रगल्स फेस किए हैं जब उन्होंने ओपनली नेपोटिज्म और इंडस्ट्री के लॉबी सिस्टम को क्रिटिसाइज़ किया। कंगना ने कई बार कहा कि उन्हें कई प्रोजेक्ट से एक्सक्लूड किया गया था क्योंकि उन्होंने इंडस्ट्री के इन्फ्लुएंशियल लोगों को चैलेंज किया था और अपनी ओपिनियंस शेयर की थी। उनके कई इंटरव्यूज़ में उन्होंने ये भी मेंशन किया कि कैसे उन्हें अपने टैलेंट और हार्ड वर्क के बावजूद अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। एक और एग्जांपल है सुशांत सिंह राजपूत का, जिन्होंने भी अपने करियर के ऊपर ओपन डिस्कशन किया था कि उन्हें क्यों काम नहीं मिल रहा था। सुशांत ने भी कई बार जाहिर किया कि उन्हें इंडस्ट्री के नेपोटिज्म और लॉबी सिस्टम से प्रॉब्लम है। उनकी मौत के बाद इंडस्ट्री में कई कॉन्ट्रोवर्सीज हुई, जैसे ये बात सामने आई कि कैसे कुछ पावरफुल ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स ने उनको अपॉर्चुनिटीज से डिप्राइव्ड रखा था। सुशांत के फैंस और सपोर्टर्स ने कई बार सोशल मीडिया और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर ये इश्यूज रेज किए कि कैसे टैलेंट और हार्ड वर्क को इग्नोर किया जा रहा है और कैसे लॉबी सिस्टम ने उनके करियर पर बहुत बुरा असर डाला। अब ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये सिस्टम फेयर है? क्या ये क्रिएटिविटी और टैलेंट को डिस्करेज करता है? क्या ये एक ट्रांसपेरेंट और इक्वल अपॉर्चुनिटी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है? ये सवाल सभी को सोचना चाहिए और इस पर डिस्कशन होनी चाहिए। अगर हम इन जनरल बॉलीवुड की बात करते हैं तो आज बॉलीवुड को कुछ लेवल्स में भी अगर डिवाइड कर दिया जाए तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी। मुझे इंटरनेट पर काफ़ी सारे कमेंट्स और काफ़ी सारे डिस्कशंस एंड डिबेट्स मिली जहां पर ये बिल्कुल कहा गया है कि बॉलीवुड के नेपोटिज्म को अगर हम लेवल्स में डिवाइड कर दें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपको एक कॉमेंट बताऊँ जहाँ पर ऐसा हुआ है तो लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, लेवल वन हो सकता है सुपर स्टार्स के किड्स का, जैसे अमिताभ, खान, श्रीदेवी किड्स, ये टीयर वन में आते हैं। लेवल टू की बात करें तो स्टार्स या ए लिस्टर किड्स जैसे कि काजोल, अक्षय, ट्विंकल, इन सब के बच्चे, अदर 90s एंड 2000s एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, राइट। टीयर थ्री की बात करें कॉमर्शियल डायरेक्टर्स के बच्चे जैसे डेविड धवन के बच्चे, महेश भट्ट के बच्चे। लेवल फोर में आते हैं कैरेक्टर्स एक्टर्स किड्स जैसे कि शक्ति कपूर के बच्चे, चंकी पांडे के बच्चे, ये सब। लेवल फाइव की बात करें तो लेस दैन पीपल्स किड्स लाइक राइटर्स या लिरिसिस्ट के बच्चे, इंडीज के बच्चे, सक्सेसफुल डायरेक्टर्स के बच्चे, लेस सक्सेसफुल डायरेक्टर्स के बच्चे जैसे राजकुमार संतोषी किड्स, अनुराग कश्यप के किड्स, राइट। लेवल सिक्स की बात करें अदर क्रू मेंबर्स के किड्स जैसे श्याम कौशल, वीरू देवगन, इन सब के किड्स। लेवल सेवन इज़ ब्यूटी पैजेंट विनर्स एंड लेवल एट इज़ मिडिल क्लास आउटसाइडर्स। और फाइनली लास्ट लेवल की बात करें तो पुअर आउटसाइडर्स। आपका इस पर क्या ओपिनियन है?
और ये सब बातें बिल्कुल बॉलीवुड में एग्जिस्ट करती हैं। बॉलीवुड नेपोटिज्म को हम सच में डिवाइड कर सकते हैं, इट रियली एग्जिस्ट लाइक दिस। तो दोस्तों, विवेक ओबरॉय के इस इंटरव्यू से साफ है कि बॉलीवुड के अंदर लॉबी सिस्टम और कॉन्ट्रोवर्सीज का इम्पैक्ट कितना बड़ा होता है। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या आपके हिसाब से बॉलीवुड में टैलेंट को बढ़ावा देना चाहिए या फिर लॉबी सिस्टम को ख़त्म करने की ज़रूरत है? कॉमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ को शेयर ज़रूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।